हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भीम इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है। कल हमने आपको 35 क्वेश्चंस कराए थे। आई होप वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चन हमने आपको कराए थे जिनसे कि आपके सभी रूल्स का रिविजन हो जाए। और आज भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ये भी सब वही क्वेश्चन है, हमारे प्रोनाउन के रूल्स पर ही बेस्ड है। जब आप इन्हें करेंगे तब आपका जो हमारे प्रोनाउन के रूल्स हैं उनका और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो उससे आपको वो सभी रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो चार पार्ट्स में आता है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, जिसमें से कि तीन पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाता है और फोर्थ पार्ट में हमारा दिया जाता है नो एरर। यानी कि हमें अगर इनमें से तीन पार्ट्स हैं, इनमें अगर हमें कोई मिस्टेक नजर आती है तो हमें उस पर टिक करना होता है। अदरवाइज हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है तो हमें नो एरर पर टिक करना होता है, यानी कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब देखिए, जैसे कि वी एंजॉयड आवरसेल्व्स द पिकनिक लास्ट वीक, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि एंजॉय वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। यदि एंजॉय के साथ में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो हम एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। यानी कि हमें जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। यानी कि हमारी गलती कहाँ है? यहाँ, ठीक है। गलती कहाँ है हमारी? यहाँ, ये हमारा गलत है। यानी कि हम फिर एग्जाम में क्या करेंगे? हम ए पे टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, वी एंजॉयड द पिकनिक लास्ट वीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई एम सेड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट योर मनी इन शेयर मार्केट, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यू एंड योर ब्रदर के, यानी कि सेकेंड पर्सन, ठीक है। और योर ब्रदर कौन हो गया? हमारा थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन तो हमारी हो गया, और योर भाई तुम्हारा भाई, यानी कि वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। ही हो गया वो, तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का हमारा पॉसेसिव केस क्या होता है? योर। हमने आपको बताया था ना, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पॉसेसिव केस होता है हमारा योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम योर का यूज करेंगे, और हमें यहाँ पे गलती क्या मिलेगी कि योर की जगह हमें हिज दिया जाएगा, ठीक है। हिज क्यों दिया जाएगा? योर ब्रदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हमें हमारा एग्जामिनर यहाँ पे हिज देगा कि हिज मनी, जो हमारा गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ऐड करके हमारा पॉसेसिव केस योर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, दोस पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा डू नॉट सक्सेड इन लाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? दोस पीपल, वे लोग जो कि कठिन परिश्रम नहीं करते हैं जीवन में सफल नहीं होते हैं, ठीक है। तो किसकी बात चल रही है? दोस पीपल की, ठीक है। वे लोग, जब हमारा यहाँ पे दोस्त पीपल है तो यहाँ पे भी दोस्त पीपल की बात चल रही है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है हमारा कंजक्शन? हु, देखिए, जब हमारा कंजक्शन से पहले, ठीक है, कंजक्शन से पहले हमें नाउन दिया गया होता है, ठीक है, और कंजक्शन के बाद हमारी वर्ब दी गई होती है, तो कॉमे के बाद भी हम केवल वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। जब कंजक्शन से पहले हमें ये नाउन दिया गया है और कंजक्शन के बाद हमारी वर्ब दी गई है, तो कॉमे के बाद भी हम डायरेक्ट वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ओनली वन ऑफ हर नोवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड टिल डेट, ठीक है। देखिए, ओनली वाले सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओनली वाले सब्जेक्ट में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। विच इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विच इज द मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि हमें सिलेक्शन की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है, कि हमें सेलेक्ट करना है कि तुम में और उसमें से कौन इंटेलिजेंट है। तो हमने आपको बताया था कि सिलेक्शन वाले सेंटेंस में विच का यूज करते हैं, ठीक है, और हमें विच की जगह क्या देगा? हु इज द मोर इंटेलिजेंट, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन वाले सेंटेंस में हम विच का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अलाउड टू कीप हिज बुक्स इन द स्टाफ रूम, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा एनी वन है, ठीक है, याद रखिए, एनी वन के बाद में हम प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही
पॉसेसिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ द के बाद में हम प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही पॉसेसिव केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवर्स इज ए कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। तो देखिए यहाँ पे अवर्स क्यों आ रहा है, कंट्री के लिए, मतलब हमारी कंट्री, हम अवर कंट्री इज ए कंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें नाउन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, नाउन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन, ये क्या है हमारा अवर्स, पॉसेसिव प्रोनाउन। हम एक नाउन की जगह पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हमारे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हमारे सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देगा अवर, हमारा एग्जामिनर हमें यहाँ पे अवर देगा, ठीक है, हमारा ये अवर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा सेंटेंस में एक नाउन दिया जाता है तो हम दोबारा नाउन का यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट माई हाउस कॉमा इट इज हर्स। दिस इज नॉट माई हाउस, यह मेरा घर नहीं है, यह उसका घर है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें क्या दिया है, दिस इज नॉट माई हाउस, इसकी बात हो रही है हाउस की। ठीक है, माई हाउस, जब हमने एक बार नाउन का यूज कर दिया तो हम दोबारा नाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हर्स। ठीक है, यह उसका घर है, मेरा घर नहीं है, उसका घर है। ठीक है, तो हर्स का यूज किया, हमें यहाँ पे हर्स की जगह हर देगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज प्लेइंग एंड दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय हर फादर। ठीक है, वह खेल रही थी जो कि और यह उसके पापा को पसंद नहीं था। ठीक है, वह खेल रही थी और यह उसके पापा को पसंद नहीं था, तो क्या आ रहा हमारा, और यह। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड दिस, हमें यहाँ पे एंड दिस की जगह क्या देगा, विच। ठीक है, एंड दिस की जगह हमें विच देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, कुछ हमें क्या होता है, कुछ चीजों में हमें क्या यूज करना है, वो हमें उस सेंटेंस का अर्थ निकाल के, हिंदी में मीनिंग निकाल के ही समझ में आता है। ठीक है, आगे समझ में, तो नोट कीजिए इसे। हो गया नोट, अब देखिए हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस समझाते हैं इसके आगे के। देखिए स्टूडेंट्स, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन अमेरिका फॉर 5 years। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या है, माइन, हमने यहाँ पे माइन का यूज किया है, क्यों, क्योंकि किसकी बात चल रही है, ए गुड फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त मेरे दोस्त की बात चल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देगा ए गुड फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि दो नाउन का यूज हम एक साथ नहीं, एक ही वाक्य में हम दो नाउन का यूज नहीं करते हैं, दूसरे नाउन की जगह पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइन का यूज किया, यहाँ पे हमें मिस्टेक में देगा माई फ्रेंड। ठीक है, जो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनी वुमेन रिकनसाइल देमसेल्फ्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एरर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देमसेल्फ्स की जगह पे। ठीक है, देखिए रिकनसाइल के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अवश्य ही करते हैं। अब हमें हमारे एग्जाम में क्या देगा कि हमें देमसेल्फ्स नहीं देगा, एग्जामिनर हमारा रिकनसाइल के बाद में देमसेल्फ्स नहीं देगा, रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऐसे कर देगा। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे देमसेल्फ्स का यूज जरूर ही करना है, क्योंकि रिकनसाइल के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर ही करते हैं। अब यहाँ पे हमने देमसेल्फ्स क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मैनी वुमेन, बहुत सारी लेडीज की बात चल रही है, बहुत सारी वुमेन की बात चल रही है। ठीक है, मतलब बहुत सारी यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे देमसेल्फ्स का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, ईच गर्ल वॉज गिविन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड दे वर हैप्पी। ठीक है, देखिए ईच गर्ल वॉज गिविन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, मतलब प्रत्येक लड़की को मिठाई का पैकेट दिया गया और एंड दे वर हैप्पी और वे खुश थी। ठीक है, तो देखिए मोस्टली देखिए हमारा क्या होता है कि ईच के साथ में हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ईच के साथ में हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म होकर एंड के साथ जब हमारा दूसरा वाक्य शुरू होता है तो हम उसमें इन सबकी बात एक साथ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज किया है। ठीक है, समझ गए, जब एंड के बाद हम दूसरा वाक्य शुरू करते हैं तो वहां पे हम प्लूरल, उसको हम प्लूरल में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम।
ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या देगा, हमारा एग्जाम में हिम की जगह पे हमें हिमसेल्फ देगा, ठीक है, विद हिमसेल्फ। तो देखिए हिमसेल्फ हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, तो यह हमारा लास्ट आ रहा ऑब्जेक्ट आ रहा, तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हमारा सही होगा हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे हिज एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात चल रही है, कंपनी की, ठीक है, कंपनी की, हमारी एक कंपनी है, सिंगुलर है द कंपनी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, तो एम्प्लॉयज भी किसके हैं, कंपनी के, कंपनी एक है, सिंगुलर में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए हिज की जगह पे क्या देगा, डियर, ठीक है, हिज की जगह पे हमें डियर देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, जब हमारी एक कंपनी है तो हम हिज का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें डियर देगा तो डियर का यूज हम नहीं करेंगे, डियर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस डियर ओन एनर्जी यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस की, ठीक है, दो चीजें हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस दो हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, जब हमारी प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है तो हम यहाँ पे प्लूरल ही पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है, इसका प्लूरल ही हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या देगा, हिज, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, या इट्स, यहाँ पे देगा हमें इट्स, ठीक है, तो इट्स की हम बात कहाँ करते हैं, सिंगुलर में, ठीक है, ये हमारे क्या है, दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं, और इट का हमारा प्लूरल होता है दे, और दे का हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है डियर, तो हमने यहाँ पे डियर का यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे हमें इट्स देगा, जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिसेस प्रताप बीइंग ए टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिसेस, देखिए मिसेस प्रताप बीइंग अ टीचर, जो कि एक टीचर है, इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी बीइंग अ टीचर कौन है, मिसेस प्रताप, सेलेक्ट भी किसे किया गया है, मिसेस प्रताप को, यानी कि दोनों ही जगह हमारा सब्जेक्ट कौन है, मिसेस प्रताप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे हमें शी देगा, कि शी इज सेलेक्टेड, जो हमारा गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे शी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों ही जगह सब्जेक्ट मिसेस प्रताप है, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। अब आप इसे नोट कीजिए, हो गया, देखिए आ रहे हैं सब, ये सब समझ में बहुत इजी है, इनको बहुत अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स आगे के सेंटेंसेस देखिए, देखिए It was in 2010 when we flew first to the United States, ठीक है, 2010 था जब हमने United State के लिए पहली उड़ान भरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है, 2010 था, यानी कि समय है, ठीक है, टाइम की बात हो रही है, तो जब हमारी जब समय की बात होती है, ठीक है, हमारी समय की बात होती है, तो उसके साथ हम कंजक्शन when का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें वैन की जगह दैट देगा, तो जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, जब कहीं हमारी समय की बात होती है तो उसके साथ में हम कंजक्शन वैन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फिनेज, देखिए जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है, अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में बींग दिया गया, यदि हमारा वाक्य बींग से शुरू होता है तो वो हमारा गलत होता है, जब हमारे स्टार्टिंग में बींग होता है तो उससे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कॉमे के बाद भी हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होगा बींग ए डेस्टिट्यूट तो वो हमारा गलत होगा, इससे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे कि ही बींग ए डेस्टिट्यूट, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, शी इज द वुमेन हुम आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन, हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे हु होता है तो हम आगे वर्ब का यूज करते हैं इसके साथ में, यदि हुम होता है तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हुम के बाद में हमारा आई नो आ रहा है, लेकिन ये हमारा कॉमे के बीच में आ रहा है, तो ये एक चीज आप याद रखना है कि यदि हु या हुम के बाद अगर हमें दो कॉमों के बीच में कोई सब्जेक्ट और वर्ब दी गई होती है तो वो हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई होती है, ठीक है, हमें इसके बाद में इसको देखना होता है,
ठीक है, हमें इस कॉमे के बाद में जो सब्जेक्ट या वर्ब होती है उसको देखना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यू है, सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हुम का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें गलती मिलेगी कि हमें हमारे एग्जामिनर हुम की जगह पे हु देगा, क्या देगा, हु, तो हु हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा हुम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन एज हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है। देखिए सच के साथ में हम एज का यूज करते हैं, आपने सुना होगा ना सच एज, तो सच के साथ में हम हमेशा एज का यूज करते हैं, हमें यहाँ पे एज की जगह पे हमारा एग्जामिनर हु देगा, हु हमारा गलत होगा, ठीक है। सच के साथ में एज का यूज किया जाता है। When warned, he stopped at once, ठीक है। देखिए इसमें हमारी गलती की यहाँ पे हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देगा, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, ठीक है। देखिए स्टॉप के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉप के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, तो स्टॉप के बाद में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ही स्टॉप्ड एट वंस ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ही इज द सेम पर्सन दैट वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। तो देखिए हमने आपको बताया था कि द सेम वाले वाक्य में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है समझ गए। देखिए, द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेयर इज माई फ्रेंड, तो हमने आपको बताया था कि ओनली के साथ में हम दैट का यूज करते हैं, जहां भी हमारा सेंटेंस में ओनली आता है तो उसके साथ में हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, दोज दैट टेल ए लाई हु दोज दैट टेल ए लाई शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन फॉर डूइंग एनीथिंग राइट, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे बात किसकी चल रही है, टेल ए लाई की, झूठ बोलने की बात चल रही है, ठीक है। जब झूठ बोलने की बात चल रही है तो हमने यहाँ पे दैट का यूज किया, क्योंकि झूठ बोलना क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ में हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब दैट के साथ में जब हम प्लूरल फॉर्म में आता है तो हम दोज का यूज करते हैं, ठीक है। दैट के साथ में हम दोज के साथ में ही हम दैट या हु का जो यूज करते हैं हम दोज के साथ में करते हैं, हमें यहाँ पे दोज की जगह पे हमारा एग्जामिनर दे देगा, ठीक है, दे दैट, तो यहाँ पे हमारा दे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दोज ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गॉड की, ठीक है। गॉड कौन है, हमारे लिविंग थिंग है, ठीक है। गॉड कौन है, हमारी लिविंग थिंग है, तो हमने आपको बताया था कि लिविंग थिंग के साथ में क्या नाम है, हम कंजक्शन हु का यूज करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देगा, दैट, ठीक है। आप देखिए गॉड उनकी सहायता करते हैं, उनकी मतलब वो भी प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि हमारा यहाँ पे दोज, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि दोज के साथ में हम दैट या हु का यूज करते हैं, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे लिविंग थिंग की बात हो रही है तो हमने हु का यूज किया है, और यदि हमारे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात होती तो हम यहाँ पे दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हु आएगा यहाँ पे, हमें हु की जगह क्या देगा, दैट, जो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें चॉइस की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है कि विच इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, कि दोनों बहनों में से बेटर कौन है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है, जहाँ पे चॉइस की बात होती है, वहां पर हम विच का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें देखिए विच के स्थान पे हमारा एग्जामिनर हु देगा, हु हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, ठीक है। और ये क्या हमारी है कि हमारी प्रोवर्ब है, क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोवर्ब, और प्रोवर्ब ऐसी ही रहती है, ठीक है। प्रोवर्ब में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दैट की जगह विच देगा, और ऑल के साथ में हम दैट का ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा विच नहीं आएगा, दैट आएगा, विच हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
My problem is the same as his because we both are living in the same locality. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए सेम एज दी क्या रहा है, सेम एज, ठीक है, हम द सेम के साथ एज का यूज कर सकते हैं. अब हमें एज की जगह पे क्या देंगे हमारे एग्जामिनर, लाइक, ठीक है, हमें क्या देंगे हमारे एग्जामिनर, लाइक. लाइक हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए सेम और लाइक दोनों का मतलब एक ही होता है. द सेम और लाइक दोनों हमारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हैं, यानी कि दोनों का जो हिंदी में मतलब है वो एक ही है. तो इसलिए हम यहाँ पे लाइक का यूज नहीं करेंगे, द सेम के साथ हम एज का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम गेटिंग लेट एंड बेग लीव ऑफ यू. ठीक है, अब देखिए हमें इसमें मिस्टेक कहाँ मिलेगी, हमें इसमें मिलेगी लीव ऑफ यू के स्थान पर योर लीव देंगे. हमारे एग्जामिनर जो है हमें लीव ऑफ यू के स्थान पर योर लीव देंगे. और हमने आपको बताया था कि लीव से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं. ये हमने आपको रूल समझाया था कि लीव से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे लीव ऑफ यू. ठीक है, आगे समझ में ऐसे ही. नेक्स्ट देखिए, एट द साइट ऑफ मी ही रैन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एट द साइट ऑफ मी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या आ रहा है, साइट. तो हमें यहाँ पे गलती कहाँ मिलेगी, यहाँ पे हमारे एग्जामिनर हमें देगा इस पूरी की जगह एट माई साइट, क्या देंगे, एट माई साइट. और हमने आपको बताया था कि साइट से पहले हम पसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइट से पहले माई नहीं आएगा, ये हमारा बनेगा एट द साइट ऑफ मी. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में. नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. ठीक है, अब देखिए बेस्ट क्या है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री है. गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो रही होती है, और बेस्ट क्या होती है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री. और हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या देगा, विच, जो हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर देन हिम. ठीक है, अब देखिए इस रूल में क्या है, यहाँ पे हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि यदि कंपैरिजन हमारी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है तो हम दैट देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. ठीक है, क्या बताया था हमने कि जब हमारी कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट में होती है, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन कौन है, एक तो माय ब्रदर है और दूसरा हिम है. ठीक है, जब कंपैरिजन हमारी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है तो हम देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. ठीक है, तो हमने देन के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है हिम. अब हमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हिम के स्थान पे हमारा एग्जामिनर देगा ही. ठीक है, माई ब्रदर स्मार्टर देन ही, तो ही हमारा गलत हो जाएगा. ही हम तब करते यदि हमारी कंपैरिजन जो होती वो दो सब्जेक्ट के बीच में होती, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में हो रही है इसलिए हमने देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको इतना समझ में, अब इसको नोट कीजिए. हो गया, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन दोज ऑफ इंग्लिश. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए किसकी बात चल रही है, हिज मार्क्स, उसके मार्क्स की, मार्क्स क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पे देखिए, प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, मार्क में एस लगा है, यानी कि हमारे प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है. तो जब हमारे बहुत सारे मार्क्स हैं तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स से. तो देखिए यहाँ पे जब हमारा ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया तो इसके लिए हम देन के बाद में हम दोज ऑफ का यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कंपेयर हमारे प्लूरल फॉर्म में की जाती है, यानी कि मार्क्स में कंपेयर हो रही है, तो हम देन के बाद में दोज ऑफ का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, He is not one of those who will help everybody whom they meet. वह उन लोगों में से नहीं है जो हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिनसे वे मिलते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमने ये they meet का यूज किया है, ये हमने those के हिसाब से किया है, क्योंकि वह उन लोगों में से नहीं है, one of those, यानी कि उन लोगों में से नहीं है जिनसे वे मिलते हैं. तो वे और उन लोग दोनों एक ही बात है, तो हमने यहाँ पे दे किसके लिए यूज करा है,
डोज के लिए, ठीक है, डोज के लिए हमने यहाँ पे दे यूज किया है, दे मीट। हमें क्या देगा एग्जामिनर यहाँ पे, ही मीट्स देगा एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जामिनर यहाँ पे हमें ही मीट्स देगा, जो कि हमारा गलत होगा। हमें ध्यान रखना है कि उन लोगों की ही बात चल रही है, तो हम यहाँ पे दे मीट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई कैमरा इज बेटर देन योर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज, तो जब हम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो हम कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या है, कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं। अब देखिए कंपैरिजन किस में हो रही है, माई कैमरा इज बेटर देन योर कैमरा, यहाँ पे योर्स का मतलब है योर कैमरा, मेरा कैमरा तुम्हारे कैमरे से अच्छा है, तो कंपैरिजन किस में हो रही है, कैमरों में, ठीक है, मेरे कैमरे और तुम्हारे कैमरों में। तो हमने आपको क्या बताया था, जब हम एक ही वाक्य में दो नाउन का यूज करते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे आ गया कैमरा और दूसरा यहाँ पे आएगा योर कैमरा, तो हम दो, जब दो नाउन का यूज करते हैं हम एक वाक्य में, तो हम दूसरे नाउन की जगह पर हम पसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे योर कैमरे की जगह योर्स का यूज किया है, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, द सैलरी ऑफ प्रोफेसर इज हायर देन दैट ऑफ ए सेक्रेटरी। अब यहाँ पे देखिए यही वाला जो हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए द सैलरी ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर की सैलरी इज हायर देन, ज्यादा है देन दैट ऑफ ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की सैलरी से, ठीक है। कंपैरिजन किस में हो रही है, सैलरी ऑफ प्रोफेसर एंड सैलरी ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो देखिए सैलरी है हमारा सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है सैलरी, तो सिंगुलर के लिए हम देन के बाद में दैट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे देगा, दोज ऑफ, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। जब हमें ये ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर फॉर्म में बात हो रही, तो हम देन के बाद में दैट ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, दैट ऑफ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सैलरीज ऑफ प्रोफेसर्स आर हायर देन दोज ऑफ सेक्रेटरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सैलरीज ऑफ प्रोफेसर्स, मतलब बहुत सारे प्रोफेसर और उनकी बहुत सारी सैलरी है, प्रोफेसर्स की सैलरीज आर हायर देन दोज ऑफ सेक्रेटरीज की कंपेयर, प्रोफेसर्स की सैलरीज की कंपेयर हो रही है सेक्रेटरीज की सैलरीज से, ठीक है। यानी कि जो हमारा सैलरीज है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो जब हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म की कंपेयर करते हैं, तो हम देन के बाद में दोज ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमें वो दैट ऑफ दे देंगे हमारे एग्जामिनर, जो हमारा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि सिंगुलर फॉर्म में हो तो दैट ऑफ का यूज करना है, और प्लूरल फॉर्म में हो तो दोज ऑफ का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको एक चीज बीच में, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हम उसमें एक चीज आपको बताते हैं। देखिए, ए गुड फ्रेंड ऑफ, ठीक है, ये वाला आया था ना एक क्वेश्चन, आप बीच में चेक कीजिएगा। ए गुड फ्रेंड ऑफ के बाद में हम पसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। ए गुड फ्रेंड ऑफ के बाद हम पसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अब क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव केस या पसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, यदि हमें कहीं पे ए गुड फ्रेंड ऑफ दिया जाता है, तो उसके साथ में पसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या पसेसिव एडजेक्टिव का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स, तो देखिए इसी के साथ में हमारे, हमने जो आपको अभी तक प्रोनाउन के रूल्स कराए हैं, उन सभी पे डिपेंड्स क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप हमारी वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। देखिए अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग के बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन टैग का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो को भी हमारी जरूर देखिए, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।